नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं, ये वक्त है मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूँ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बाड़मेर से बड़ी खबर है, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय तारबंदी पार कर एक पाक नागरिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बखासर के नवातला सरहद में पाक घुसपैठियों को पकड़ लिया गया। बीएसएफ ने पाक घुसपैठियों को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर बखासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। नवातला पाक घुसपैठिए से विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पाक की ओर से नापाक हरकत करने की कोशिश की गई। एक व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति बताया जा रहा है, जो गलत तरीके से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पुलिस ने उसे फिलहाल पकड़ लिया है। सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, पूछताछ शुरू हो गई है क्या? क्या मकसद था भारत आने के पीछे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जो बीएसएफ की है वो देखने को मिली है, क्योंकि ये जो पाक नागरिक है बीएसएफ का बॉर्डर क्रॉस कर भारत के अंदर घुस गया था और भारत के अंदर एक झड़पा गांव है यहाँ तक पहुंच गया था। और उसके बाद में स्थानीय ग्रामीणों ने इसको पकड़ा है और उसके बाद में स्थानीय पुलिस को, जो सेड़वा थाना पुलिस है, उसको सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इस युवक को पकड़ के बीएस को सुपर्द किया है। इसके बाद में बॉर्डर पर अब इस युवक से पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 साल का ये है, जगसी पुत्र इसका नाम है परसू, जो कि हाकली खरौड़ी जिला थारपर का निवासी है। और किस मकसद से ये भारत के अंदर प्रवेश किया था इसकी अब पड़ताल नहीं हो पाई है। पुलिस और एजेंसियां हैं इससे पूछताछ कर रही है। चीजें निकल करके सामने आई कि आखिर इसके भारत में आने के पीछे का मकसद क्या है, क्योंकि ये देर रात में बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुसा था। जी, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं प्रेमदान, की जो घुसपैठिया था उसे बीएसएफ ने नहीं बल्कि जो ग्रामीण थे उन्होंने पकड़ा। बीएसएफ के आंखों से ओझल होते हुए भारत में गलत तरीके से प्रवेश करना वाकई बीएसएफ की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। क्या है मकसद, ये फिलहाल जांच का विषय है। किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है? प्रेमदान, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिलने के बाद में एएसपी बाड़मेर, सीओ चौहटन सहित जो सेड़वा थाना अधिकारी सहित पुलिस के अधिकारी मौके पर है। आरोपी युवक जो पाकिस्तान से घुसपैठिया घुसा है उससे पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जो भी है उनको सभी को सूचना दी गई है। उन सबसे पूछताछ के बाद में, क्योंकि इसका ज्वाइंट इंट्रोगेशन बाड़मेर में होगा और उसके बाद में ये चीजें निकल के सामने आएगी कि इसके पीछे का मकसद क्या था। क्या कोई डेमो तो नहीं भेजा गया है पाकिस्तान की तरफ से कि किस तरीके से किसी नागरिक को भेजा जाए, क्या सतर्कता है, इस तरीके की भी चीजें हैं, क्योंकि इसमें बीएसएफ की कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि जरूरी है प्रेमदान की मकसद का पता चल सके। और निश्चित तौर पर बीएसएफ की बड़ी लापरवाही अगर इस तरीके से पाकिस्तान से लोग भारत में एंट्री ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले पर। और खबर जोधपुर से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही समय में जोधपुर का दौरा कर रहे हैं और दौरे को लेकर राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पीएम राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राजस्थान हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में उनके साथ राज्यपाल हरिभाव बागड़े, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्र चूड़, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में जोधपुर रेंज के अलावा आसपास के जिलों में पुलिस का जाब्ता मंगवाया गया है। इसके साथ ही शहर में गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है और ऐसे में तैयारियां भी बेहद खास की जा रही है। कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोधपुर पहुंचेंगे। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई खास मेहमान जोधपुर में पहुंच चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो जाए इसे लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए। तो वहीं जोधपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। सीएम के साथ मदन राठौड़, मुकेश दाधीच भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पहले पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। इसके बाद कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम ने जोधपुर के विकास को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही देश का बंटवारा करवाया है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। कि जोधपुर और जोधपुर संभाग जो ऐसा है
क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, शायद मुझे बजट में ज्यादा मां कुछ देने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसी मेरे मन में कल्पना थी, क्योंकि उन्होंने 5 साल इस क्षेत्र के अंदर काम किया होगा। लेकिन जैसे जैसे आपके सुझाव आए, मेरे संकल्प पत्र जो हम चुनाव से पहले गए थे और विधानसभा के अंदर, उसमें जो आपके गांव ढाणी से जो विचार उसमें आए, हमारी पेटिका में आए, उन विचारों को हमने संकलित किया। अफसोस भी हुआ, मैंने कहा जिस क्षेत्र के मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं और पूरे 5 साल वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां की समस्या तस की मस है, ये समस्या का समाधान नहीं हुआ, मुझे बड़ा मन के अंदर पीड़ा भी हुई कि आपने देखा हो किस तरह का स्थिति हो रही है। कल ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने समझौता किया है, मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश के बंटवारा किया था, और ये वही कांग्रेस है 75 के अंदर इन्होंने आपातकाल लगाया था, इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है, सिर्फ इनको राज चाहिए, राज के अलावा ये रह नहीं सकते, इन्होंने सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति की है, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की है, हमेशा जातिवाद धर्मवाद और तुष्टिकरण के आधार पर इन्होंने काम किए हैं। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम ने आज जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन से सफर किया, इस दौरान उन्होंने ट्रेन में नाश्ता भी किया। सीएम भजनलाल शर्मा का अलग अंदाज। जयपुर से जोधपुर तक ट्रेन का सफर। बुजुर्गों का आशीर्वाद, बच्चों को दुलार। स्टेशन पर सीएम का जोरदार स्वागत। सीएम भजनलाल शर्मा आज जयपुर से ट्रेन के जरिए जोधपुर पहुंचे। सुबह करीब 6 बजे सीएम भजनलाल ट्रेन में बैठे। यात्रा के दौरान अलग अलग स्टेशनों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सादगी के साथ यात्रियों से बातचीत भी की, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया तो बच्चों को सीएम ने दुलार किया। सीएम भजनलाल शर्मा सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन से जोधपुर के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से बातचीत की। सीएम को अपने बीच पाकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही बच्चों को दुलार करते नजर आए। ट्रेन के अलग अलग स्टेशनों पर ठहराव के दौरान सीएम का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। नावा सिटी में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में सीएम का स्वागत किया गया, तो फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड समेत अन्य स्टेशनों पर भी कार्यकर्ताओं ने सीएम का अभिवादन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं 1 सितंबर से शुरू होने वाले बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत दौसा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शिरकत की। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। देश में इस अभियान के तहत 10 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य बनाना है। यह अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 1 नवंबर से 10 नवंबर तक सक्रिय और प्राथमिक सदस्यता के लिए रजिस्ट्रेशन तैयार किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी 1 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राजस्थान में 51,000 बूथ हैं, ऐसे में प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दौसा जिले की बात करें तो कल 1,237 बूथों पर 2,25,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये कार्यक्रम दिसंबर तक चलेगा, विभिन्न चरणों में चलेगा और 1 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद सदस्यता ग्रहण करेंगे। 31 तारीख को, इस महीने की 31 तारीख को जितने भी हम सदस्य बने हुए हैं उन सब की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और 1 तारीख के बाद में हमको पुनर्सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। पहला प्राथमिक सदस्यों का अभियान चलेगा, फिर सक्रिय सदस्यों का अभियान चलेगा और वो सभी लोग मेंबर बन सकेंगे जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की निष्ठाओं में विश्वास करते हैं उन सबको हम मेंबर बनाएंगे। और ये हमारा महाअभियान है क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क का ये महाअभियान चला रही है। बालोतरा के समदड़ी से बड़ी खबर मिल रही है, खटिया मठ विवाद मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। मामले को लेकर मंत्री जोराराम कुमावत से साधु ने मुलाकात की, जूना अखाड़ा मंत्री मोहन भारती के नेतृत्व में मुलाकात हुई। कुछ लोग मठ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ये बात कही गई। संतों ने सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मठ के ब्रह्मलीन संत किशन भारती के शिष्य निर्जन भारती को बेदखल करना चाहते हैं ये आरोप भी लगे हैं। तो वही झुंझुनू के पचेरी गला पुलिस ने महिलाओं के ऐसे गैंग का खुलासा किया जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर झूठे मुकदमा लिखवाने की धमकी देकर लाखों की ठगी करती थी। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। हनी ट्रैप का माया जाल, कॉल, दोस्ती और पर्सनल मीटिंग, लव और लस्ट का पूरा खेल, प्रेम जाल बन जाएगा जंजाल। झुंझुनू की पचेरी कला पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराकर लोगों से रुपये ऐंठने वाली गैंग की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई दोनों महिलाओं ने 6 मामले दुष्कर्म के दर्ज करा रखे हैं। नारनौल और बहरोड की रहने वाली दोनों महिलाओं को पुलिस ने धर दबोचा है। इन्होंने पचेरी कला थाना इलाके में एक व्यक्ति के खिलाफ हनी ट्रैप मामले में 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। पचेरी कला पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला इंदिरा कॉलोनी बहरोड निवासी तीजा और पूजा उर्फ नाथी दोनों शातिर बदमाश हैं। लोगों से जान पहचान बढ़ाकर फोन पर मीठी मीठी बातें करके उनको अपने जाल में फंसाती है। 20 अगस्त को इन 2 महिलाओं ने पचेरी कला थाना इलाके के एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित व्यक्ति ने पचेरी थाना पुलिस को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि 15 दिन पहले उसके मोबाइल पर एक कॉल आया और महिलाओं ने उससे नौकरी की मांग की। नौकरी के लिए मना करने पर महिलाओं ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया और साथ ही राजीनामा करने को लेकर रुपयों की डिमांड भी की। 20 अगस्त को महिलाओं ने फिर से फोन करके समझौते के 7 लाख रुपए मांगे। रुपए नहीं देने पर जेल भिजवाने की धमकी दी। जब पीड़ित ने रुपए देने से मना किया तो कहा कि 3.5 लाख रुपए नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा। लगातार रुपए के लिए दबाव देने से परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी। मेरे को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाना चाहते हैं जिसमें कुछ महिलाएं व व्यक्ति हैं जो मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मुझे बलात्कार झूठे मामले में जेल भिजवाने का भय दिखाकर पैसों की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया गया
तो जिसमें दो महिलाएं और कुछ व्यक्ति हनी ट्रैप का मामला पाया गया, जो उसको झूठे मुर्गी फंसाने के संबंध में जांच से पाया गया, जिसमें दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। हनी ट्रैप गिरोह के सदस्य दोनों महिलाएं पहले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाती हैं, उसकी रेकी की जाती है, पैसे वालों को टारगेट करती है, फोन पर बातचीत करती है, उसे अपने झांसे में लेती है, फिर जेल भिजवाने, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर मोटी रकम ऐंठती है, रुपये नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कराकर प्रताड़ित करती है। 2019 में इनके खिलाफ हनी ट्रैप के मामले कोटपुतली में हुए हैं। दोनों आरोपी महिलाएं सहेली हैं। नारनौल बहरोड में रहकर दोनों 5 साल से लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठग रही है। कई लोग शर्मिंदगी और बदनामी के कारण शिकायत नहीं की थी। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। अगली खबर झुंझुनू से है। नवलगढ़ उपखंड के बेरी सीमा पर ढाका की ढाणी जाने वाले रास्ते पर एक खेत में बने कमरे में देह व्यापार संचालित हो रहा था। ग्रामीणों के सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक और युवती को संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ढाका की ढाणी के ग्रामीणों ने नवलगढ़ पुलिस को सूचना दी कि एक खेत में बने कमरों में अनैतिक गतिविधियां की जा रही हैं। सूचना के बाद नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इलाका दादिया का होने के कारण दादिया पुलिस को मौके पर बुलाया गया। दादिया पुलिस ने खेत में बने कमरे से एक युवक और एक युवती को संदिग्ध हालत में पकड़ लिया। वहीं पुलिस की भनक लगने से 3 युवक फरार हो गए। इसकी सूचना पर पड़ा है दादिया थाना को, तो एक लड़को और एक लड़की है, थाना ले जाए पूछताछ करा। आज मस्ती और घूमने के शौक को पूरा करने के लिए घर का काम करने वाले एक नौकर ने मालिक के घर में ही हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उसने 10 महीनों के दौरान घर से 60 लाख रुपए के गहने गायब कर दिए। इन्हीं चोरी के गहनों से उसने लोन तक ले डाला, लेकिन उसकी कारस्तानी का जब घर वालों को पता चला तो उनके होश उड़ गए। ये रिपोर्ट देखिए। थाली में खाया उसी में किया छेद, नौकर ने घर में किया हाथ साफ। 10 महीने में 60 लाख की चोरी, मौज मस्ती के लिए की चोरी, चोरी के गहनों पर लिया लोन। सरदारपुरा में नेहरू पार्क के पास रहने वाले कारोबारी प्रशांत और उसके घर वालों के साथ उसके नौकर ने धोखाधड़ी कर दी। उसने पिछले 10 महीने के दौरान घर में रखे 60 लाख रुपए के गहनों पर धीरे धीरे हाथ साफ कर दिया। घर वालों को चोरी का पता तब चला जब प्रशांत की पत्नी ने रक्षाबंधन पर जेवरात पहनने के लिए अलमारी का लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सारे जेवरात गायब हो चुके थे। व्यापारी की शिकायत पर जब पुलिस ने नौकर से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि चोरी की गई ज्वेलरी को गिरवी रखकर उस पर लोन उठा लिया। हमारे थाने पर एक नेहरू पार्क से निवासी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें उसके घर में 8-10 महीने पहले चोरी हुआ था, लेकिन घर में इधर उधर होने के अंदाज से उन्होंने आपस में घर में कलह नहीं हो इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, जिसके बाद अभी 4-5 दिन पहले उनके घर से कुछ जेवरात चोरी हुआ, जिस पर उनको उनके नौकर पर संदेह हुआ। वो नौकर इनके घर पे करीब 4-5 साल से काम कर रहा था। फिर उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसने कुछ अंदेशा जाहिर हुआ कि इसने चोरी की है, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। ये उनके अब तक करीब 50 से 60 लाख का जेवरात चोरी किया हुआ है। दरअसल इस चोरी का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर से शुरू हुआ था। घर में काम करने वाले नौकर करण जयपाल ने सोने की 2 चेन चोरी कर ली थी, लेकिन घर में किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए इसकी शिकायत नहीं की गई। इसी बात का फायदा करण जयपाल ने अपनी मौज मस्ती को पूरा करने के लिए उठाया। उसने जनवरी में 50 लाख रुपए के जेवर और 15 से 23 जुलाई के बीच सोने की 2 चूड़ी, 3 अंगूठियां और मोतियों के
बैसाखी वाले दिन जब घर में गहने नहीं मिले तो पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में जयपाल ने अपना जुर्म कबूलने के साथ ही उसकी निशानदेही पर चोरी का सामान खरीदने वाले सुनार और दो लूट लेने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। न्यूज 18 के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की न्यूज। सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। पोकरण के मुख्य सर्किल पर दुकान का शटर तोड़कर तीन चोर अंदर घुसकर गले में रखे नकद चुराकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सुबह आसपास के लोगों ने शटर खुला देखा तो इसकी सूचना मकान दुकान के मालिक को दी। रामसा गुचिया को इसकी जानकारी मिली तो दुकान मालिक मौके पर पहुंचे। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई जिस पर पोकरण एएसआई बस्ताराम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने लगे। चोरी की लाइव वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं तीन चोर रुपयों की गड्डिया और कागजात लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के मुख्य सर्किल के पास पेट्रोल पंप के सामने आरके ट्रेडिंग दुकान की घटना है जिससे व्यापारियों में भी भय है। पुलिस चोरों की तलाश में है। तो वही प्रतापगढ़ में एक बुजुर्ग दंपति पिछले एक साल से पुलिस के चक्कर काटने को मजबूर है। आरोप है कि राजनीतिक रसूख के चलते ऐसा हो रहा है। कई बार जांच अधिकारी भी बदले जा चुके हैं लेकिन भू माफियाओं के राजनीतिक रसूख के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित रुबाब बाई की माने तो उसने 10 नवंबर 2023 को प्रतापगढ़ थाने में रितेश सोमानी समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने उसकी संपत्ति हड़पने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। मामला दर्ज कराने के बाद भी थानाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न होने पर पीड़ित बार बार थाने जाने को मजबूर है। आज बहुत परेशान हूँ, मेरे को थक गए हम लोग सीनियर सिटीजन है और एक साल हो गया मेरे को दौड़ते दौड़ते। पुलिस मेरी कार्रवाई नहीं कर रही साहब और मैं बांसवाड़ा गई, फिर आई जी ने मेरी सुनी साहब उन्होंने और यहाँ पर मेरी रिपोर्ट फिर चेंज की और अमनौद में भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने भी मेरे को इधर से उधर दौड़ाया सा और ये और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंच चुके हैं। 10 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा है। विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे हैं पीएम मोदी। 4 जुडिशियल एकेडमी होते हुए हाईकोर्ट पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जोधपुर पहुंच चुके हैं। विशेष विमान से एयरफोर्स स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 4 जुडिशियल एकेडमी होते हुए वो हाईकोर्ट पहुंचेंगे। हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में कई खास मेहमान शामिल हो रहे हैं जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी हाईकोर्ट म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसे लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। चूंकि कई वीवीआईपी मेहमान जोधपुर पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियां बेहद खास कर ली गई हैं। स्वागत के लिए जो खास मेहमान वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए भी बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम है। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, क्या हलचल इस वक्त वहां पर और क्या कार्यक्रम आगे? देखिए जो दरअसल हाईकोर्ट का जो प्रेसिडेंट जुबली का समापन कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उनका विमान जो है लैंड हुआ है, उसके साथ ही जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको कुछ भेंट करके उनका स्वागत किया। इसके साथ ही कई जो मंत्री और बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और अब थोड़ी देर में वहां पर लगने के राजस्थान हाईकोर्ट स्टेशन में पीएम पहुंचेंगे और झालामन पर जो इस पर जो झालामन की जनता है वो जो है एयरपोर्ट रोड से लेकर बिल्कुल हाईकोर्ट तक जो एक पूरा जल सैलाब उमड़ पड़ा है जोधपुर का। और बात करें तो झालामन पर विशेष व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो है स्वागत का कार्यक्रम जो है करने का एक रखा गया कार्यक्रम यहाँ पर। और बात करें तो जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो छपे पर जो है सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा जो आला पुलिस के अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है और लगातार अगर बात करें पूरी तरह से सड़कों को खाली करवा दिया। बिल्कुल चंद्रशेखर, बेहद खास ये दौरा है। कार्यक्रम की कुछ ही समय में शुरुआत होगी और ऐसे में न सिर्फ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां बल्कि सुरक्षा को लेकर भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। आप नजर बनाए रखिएगा चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।